गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम मैंगो के प्लांट की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और देखिए यहाँ से पौधे को काटा जा रहा है। नीचे से भी काट सकते हैं परंतु हम यहाँ से काट रहे हैं ताकि अगर ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है तो नीचे से पौधा उगेगा। और जितने भी हमारे पास औजार हैं, चाकू है और क्या है जी आपके पास, कटर है, इनको हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन लगाया हुआ है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ताकि कोई जर्म्स पैदा ना हो, इसमें फंगस पैदा ना हो। देखिए अब इसको सेंटर से काटा जाएगा और उसको भी कलम बनाकर इसमें लगाया जाएगा। ये देखो सेंटर से काटा जाएगा, चीरा देना है, काटना नहीं है, चीरा देना है बड़े आराम के साथ। इसको लगभग 4 इंच का हमने चीरा दिया है, 3, 4, 5 इंच आप दे सकते हो। अब ये देखिए कलम तैयार हो रही है इसमें डालने के लिए। देखिए ये कलम तैयार हो गई है, दोनों तरफ से इसको काटा गया है, बीच में रखी गई है, ये बार्क रखी गई है, दोनों तरफ से इसको कलम तैयार की गई है। तो इसको हम इसके बीच में लगाएंगे ऐसे, ये लगभग 4-5 इंच का कट दिया हुआ है। इसको हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी ध्यान रखना है। हमारा जो ये आदमी काम कर रहा है गार्डनर मिस्टर विजय कुमार, बहुत हिम्मती है, इसको ये काम आते हैं। इसने अपने हाथ साबुन के साथ पहले धोए हुए हैं और उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी लगाया हुआ है, इसलिए हम इसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। इसको लगाने के बाद प्लास्टिक के पेपर से इसको चारों तरफ से इस तरह से लपेटा जा रहा है कि इसमें हवा भी एंटर ना करे, और इसके ऊपर हम धागे से इसको बांध देंगे अच्छी तरह से, बहुत टाइट करके। तो समझ लीजिए कि आपकी ग्राफ्टिंग हो गई। अब नीचे जो प्लांट था ये गुठली से तैयार किया हुआ था और ये ऊपर जो पार्ट है ये स्पेशल ब्रांच है। अब जो फ्रूट लगेगा इस पौधे को ये ऊपर वाला लगेगा। यस, देखिए ग्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम एक बार फिर थोड़ा सा प्लास्टिक का कागज़ लगाकर ऊपर से धागा बांध देंगे ताकि ये पर्टिकुलरली टाइट रहे। तो दैट इज़ ऑल, थैंक यू। इसके बाद 2 महीने बाद इसको आपको खोल के दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेट फॉर दैट।